भले ही अभी हम देख रहे हैं कि इस खेल के अंदर हम एक पाले में खूब डट के लगे हुए हैं, सामने वाले पाले में तो उनकी टीम और उनके लोग उतरने के लिए अभी तैयार भी नहीं हैं और उनके कार्यकर्ता भी कितने परेशान होंगे मैं अनुमान ही लगा सकता हूँ। एक महीना भर से उनकी तैयारी चल रही है कि आज लिस्ट आएगी, आज कैंडिडेट आएंगे, आज ये होगा, जबकि हमारा एक प्रकार से 60% से ज़्यादा एक अभियान पूरा हो चुका है, लेकिन अगला जो महीना है उस महीने में भी हमारे कार्यक्रम इसी प्रकार से तेज़ी से चलते रहेंगे और 25 मई को यानी एक प्रकार से लोकतंत्र का जो एक बहुत बड़ा उत्सव है ये पूर्ण होगा और सब लोग वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर हमारी कैंडिडेट बंतो कटारिया को मेंबर पार्लियामेंट बनाएंगे। देखिए, उनका कहना कुछ भी हो, जो विरोध में लोग खड़े हैं उनको इस प्रकार के कहने में कोई हर्ज नहीं हमको लगता, क्योंकि विरोध में खड़े हैं, विपक्ष के आदमी किसी प्रकार के अनाप शनाप अनर्गल प्रकार करेंगे, हमें उसका फर्क पड़ता नहीं है। और अगर ये बात भी पूछनी है तो उन्हीं से पूछें। हमको हमारा विश्वास है कि हरियाणा देश भर में जो हमारा एक लक्ष्य है कि 400 से पार सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे, जिसमें 370 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी और 30 से ऊपर जो NDA के अन्य जो घटक हैं वो सब मिलकर के और 400 पार ये सीटें जीतेंगे और बहुत एक अच्छे कंफर्टेबल स्थिति और ये हमारी बनेगी। देखिए, अब इस विषय में तो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वोटिंग कहीं 60% हुई है, कहीं 70 हुई है, त्रिपुरा जैसे राज्य में 80% से भी ऊपर हुई है, तो ये वोटिंग पैटर्न हर राज्य का अलग अलग होता है और राज्यों में भी किन किन सीटों पर पोलिंग होती है ये अलग अलग पैटर्न होता है। वोटिंग परसेंटेज तो जब सारा देश भर का जब चुनाव हो जाएगा सातवें चरण के बाद ही पता लगेगा देश में किस प्रकार किस राज्य ने क्या परफॉर्म किया है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।